आज मैं चिकन पैटीज की फिलिंग तैयार करने लगी हूँ। और उसके लिए पैन को जो है वो गरम कर लिया है, और इसमें मैं तकरीबन डालूंगी 1/2 कप के करीब ऑयल। 1/2 कप से थोड़ा कम ही रखें, 1/2 कप फुल नहीं। और जैसे ही ये गर्म होता है तो इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। एक मिनट तक इसको भूनेंगे और फिर इसमें प्याज ऐड करेंगे। दो मीडियम साइज के प्याज हैं और इनको जो है वो लाइट गोल्डन करेंगे। और उसके बाद इसमें चिकन का कीमा जो है, जो कि तकरीबन आधा किलो के करीब है, वो ऐड करेंगे। प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है, अब इसके अंदर मैं 1/2 kg के करीब जो है वो चिकन कीमा ऐड करूंगी। एक मिनट इसको भूनने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर गलने के लिए रखेंगे। मसालों में मैं नमक ऐड कर रही हूँ, नमक 1 टीस्पून है, और बाकी सारे मसाले 1/2 टीस्पून है। उसमें पिसी लाल मिर्चें हैं, कुटी लाल मिर्चें हैं, पिसी काली मिर्चें हैं, पिसा हुआ जीरा, सूखा धनिया और गरम मसाला है। अगर आप चाहें तो इसमें चाट मसाला थोड़ा सा और हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं कर रही। और अगर इन मसालों की भी क्वांटिटी आपने बढ़ानी हो तो आप बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट भूनने के बाद इसको हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक ये गल जाएगा। पूरे 20 मिनट लगे हैं और ये बिल्कुल रेडी है, गल भी चुका है और पानी भी इसका सारा खुश्क है। इसने अपना पानी छोड़ा था, जो प्याज का थोड़ा बहुत था वो था। अब हम इसको ठंडा होने देंगे अच्छी तरह, और फिर पैटीज की फोल्ड पट्टी में, फोल्डिंग में इसकी फोल्डिंग करेंगे। मैंने तकरीबन 14-15 के करीब पैटीज तैयार करनी है, और एक मैं आपको करके बताती हूँ फिलिंग। ये इजी सी है, बाज़ार से ये रेडीमेड पफ पेस्ट्री की ये डो मिल जाती है, और बस इसमें अपनी मर्ज़ी की फिलिंग कर लें और जैसी मर्जी शेप दे दें। ये मैं जो शेप दे रही हूँ बड़ी कॉमन शेप है। और बस ये रेडी है, तकरीबन 3 दर्जन के करीब पफ्स बने हैं, और इनको भी मैंने जिप लॉक बैग में डाल दिया है, और अब ये फ्रीज़र में जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला जब ज़रूरत होगी रमज़ान में तो हम इसको निकाल के बेक करेंगे। बेक करने के लिए आपको पता ही है कि इसके ऊपर हम अंडे की कोटिंग करते हैं, अंडे को फेंट के और इसके ऊपर उसको ब्रश के साथ मसलन कवर करेंगे और कोटिंग करेंगे और फिर इसको बेक करेंगे। काइंडली वीडियो देखने के बाद इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।